में कई गांव डूब गए हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कर रही है। अगर बात करें कैलाश घाट पर स्थित प्राचीन कैलाश मंदिर की, तो यमुना का पानी गांव के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में भी घुस गया है, जिसके चलते सावन के महीने में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कैलाश घाट से देखिए संवाददाता रिंकी उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ का खतरा सता रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं आगरा के कैलाश मंदिर पे, जो कि इसके पीछे जस्ट यमुना जी नदी है। अगर यमुना नदी की बात करें तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जो कि इस समय जो जल स्तर है वो 99.2 के समथिंग फ्लोराइड पहुंच चुका है, यानी कि मध्य उसमें आ चुका, जो बाढ़ के पूरी पूरी संकेत आप दे रही है पानी। लेकिन इस समय हम मंदिर के अंदर मौजूद है और दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें हमारी आपको दिख रही होंगी, बोलती नजर आ रही होंगी, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर के गर्भागृह में भगवान भोलेनाथ के गर्भागृह में ये पानी पहुंच चुका है। और यहाँ पे भक्तों का फिर भी जमावड़ा लगा हुआ, भक्तों का सैलाब है, जो ये आस्था का केंद्र, ये आस्था का मंदिर, यहाँ पे लोग अपनी उम्मीद लेके लगातार, क्योंकि सावन का महीना है और ऐसे में भोले के भक्त भोले के दर्शन न करें, ये बहुत ही अजीब सी बात है। वही सब आपको देखने को मिल रहा है, बच्चों के साथ भी लोग पहुंच रहे हैं। तो यमुना नदी का जल बढ़ ही रहा है, कम होने की अभी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है। और प्रशासन आगरा का पूरा अलर्ट है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, कोई नाव से दौरा कर रहा है, कोई कैसे भी द्वारा करा, लेकिन जो जन समस्या है उनको सुनने के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है। उनको जो लोग यमुना किनारे थे उनको आश्रय गृह पहुंचा दिया गया है, ताकि किसी जन हानि या मान हानि ना हो सके। आपको बताना चाहेंगे यही वो मंदिर था और इसके आगे हम चलते हैं। कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगी मेरे साथ थोड़ा चले, पीछे का दृश्य दिखाते हैं। ये इसके पीछे यमुना नदी है, ये वही यमुना है जो अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है यमुना ने, और कहीं ना कहीं आपको ये उफनाती हुई जल की जो धाराएं आपको दिखा रही होंगी और अंदाजा लग जाएगा कि किस तेजी के साथ ये जल में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि आगरा शहर को भी अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड।